एक विक्षिप्त गर्भवती महिला मंगलवार को सड़क किनारे तड़प रही थी। इस बीच लोगों ने स्थिति को समझकर 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 108 की टीम ने एम्बुलेंस में ही महिला की प्रसूति कराई और फिर उसे उपचार के लिए एमवाई अस्पताल लेकर आई, लेकिन अस्पताल में पदस्थ लापरवाह स्टाफ ने 2 घंटे तक उसकी कोई सुध नहीं ली। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इंदौर में मावठा गिर ही गया। दिनभर पड़ी तेज गर्मी के बाद सोमवार शाम को हुई जोरदार बारिश को मौसम विभाग ने मावठे की बारिश बताया। हालांकि इस बारिश की वजह से शहर में कई इलाकों की बिजली भी लंबे समय के लिए गुल हुई। हीरानगर पुलिस ने जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 7,000 रुपए मोबाइल और ताश पत्ते जब्त किए। बीमारी से जूझ रहे निशक्त दंपति मदद की गुहार लेकर अब सरकारी दफ्तरों में भटक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को नगर निगम में हुई जनसुनवाई के दौरान सामने आया, जहां निगम अपर आयुक्त ने दंपति को मदद करने की बात कही। बीच सड़क पर मारपीट के मामले आजकल आम होते जा रहे हैं। सोमवार को टावर चौराहे पर कुछ युवकों ने एक दंपति के साथ जमकर मारपीट की। मामले में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। व्यस्ततम रिगल तिराहे और शास्त्री ब्रिज के मुहाने पर मंगलवार दोपहर सिटी बस का स्टेयरिंग अचानक फेल हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाद में बस को क्रेन की मदद से बीच सड़क से हटाया गया। इस बीच कुछ देर के लिए यातायात डायवर्ट करना पड़ा। क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है जो महंगी कार से चोरी की वारदात को अंजाम देने जाते थे। आरोपी अपने साथ एक बीमार बुजुर्ग को रखते थे ताकि उन पर कोई शक भी ना करे। भाजपा सीए प्रकोष्ठ ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्ताव के विरोध में देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन कमिश्नर कार्यालय पर प्रेषित किया है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री को रिजर्व बैंक के प्रस्ताव की विसंगतियों से अवगत कराते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है। बिजली के तार की चपेट में आने से हुई गाय की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। लोगों का कहना था कि बिजली विभाग के लोग बिजली शुल्क तो वसूल लेते हैं, लेकिन मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते। एक युवक की मौत के बाद उसके भाई ने मृतक के ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। महू आर्मी रेंज में हुए एक विस्फोट में बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया। बारात में नाचने की बात पर हुए विवाद में दूल्हे के भाई को ही बारातियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल बारातियों के विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र ने आगामी विधानसभा चुनाव मिशन 2013 की तैयारियों के लिए प्रदेश के 85 शहरों और जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उक्त आशय की जानकारी राज्य विकास केंद्र के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने प्रेस वार्ता में दी। यादव व प्रचार प्रसार संयोजक रवि वर्मा ने बताया कि प्रभारियों को प्रचार प्रसार के साथ ही जिला, शहर, ब्लॉक, वार्ड, जिला पंचायत और गांव पंचायत स्तर पर संगठनों को मजबूत बनाने के लिए कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। सिटी फॉरेस्ट को हरा भरा बनाने के लिए मंगलवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने वृक्षारोपण किया। क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन ने पर्यावरण संरक्षण की पहल करते हुए बिचोली हफ्सी स्थित सिटी फॉरेस्ट में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 500 वृक्ष लगाए। गौरतलब है कि पूर्व में भी नगर निगम महापौर ने एक कार्यक्रम के अंतर्गत सिटी फॉरेस्ट में लगभग 2000 पौधारोपण किए थे। शहर में भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ रासुका की कार्रवाई शुरू कर रहा है। फिलहाल खजराना थाना पुलिस ने कार्रवाई के लिए भूमाफिया शेख मुश्ताक की फाइल कलेक्टर कार्यालय भेजी है। मुश्ताक ने कई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर उन पर कॉलोनियां बसाई है।